हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस क्लास 10 फिजिक्स में चैप्टर 3 लेंस में आज का टॉपिक है लेंस के लिए यूबी ऐप में संबंध। ये यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेंस के लिए यूबी ऐप में संबंध बताइए या यूबी ऐप का सूत्र बताइए, और इसी सूत्र जो हम निकालेंगे इसी से हम न्यूमेरिकल भी करते हैं सॉल्व। ओके, इसी सूत्र के जरिए सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। पहले हम फिगर देखते हैं इसका। ये यहाँ पे हमने उत्तल दर्पण उत्तल लेंस बनाया है। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। अब यहाँ पर मुख्य अक्ष खींचते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र है और ये प्रथम फोकस एफ डैश और ये द्वितीय फोकस एफ। अब यहाँ पर इसके अनंत पर यानी मुख्य अक्ष पर एक हम वस्तु रखते हैं। जैसे नाम ओ डैश ओ दे देते हैं। अब यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डालते हैं। ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के कैसी है? ये समांतर है। ये अपवर्तन के पश्चात जैसे ए पर ये डिनोट कर देती है। ये अपवर्तन के पश्चात किससे होकर गुजरती है? द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ये यहाँ पर जाती है और दूसरी किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसमें हमें दो बात याद रखनी है, दो किरण पड़ती हैं। एक ये क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर होकर द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब ये दोनों किरणें जहाँ काटती हैं वहाँ पर इन्हें एक रेखा खींचते हैं, यानी ये बनता है आपका प्रतिबिंब आई और आई डैश। कैसा बन रहा है यहाँ पर प्रतिबिंब बच्चों? उल्टा, वास्तविक और लेंस के दूसरी ओर। अब मैं आपको इसकी लैंग्वेज बताती हूँ, इसकी भाषा कैसे लिखी जाएगी। उत्तल लेंस लिया। उत्तल लेंस कैसा होता है? बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। अब इसके मुख्य अक्ष पर वस्तु ओ डैश लंबवत रखें। इसमें जो एक किरण होती है वो ओ डैश प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर यानी अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी किरण ओ डैश सी प्रकाशिक केंद्र से होकर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। फिर ये किरणें यानी आई आई डैश जो यहाँ काटती हैं उसे हम मिला देते हैं। बस तो ओ ओ डैश ओ का प्रतिबिंब आई आई डैश है जो कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है और लेंस के दूसरी ओर बन रहा है। ठीक है, ये इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं। जैसे हमने फिगर बनाया वैसे ही लैंग्वेज लिख देंगे, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। कैसे समझेंगे इसके डेरिवेशन को, कैसे करें ये बताती हूँ मैं आपको अभी। अब यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला में क्या सॉल्व करना है, मतलब क्या निकालना है। ठीक है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ये हमें सूत्र निकालना है। अब इसमें देखो आपके दो त्रिभुज लेते हैं हम। पहले ओ डैश ओ सी, ओ डैश ओ सी, और दूसरा त्रिभुज है आपका आई आई डैश सी। ये वाला देखो ओ ओ डैश ओ सी और दूसरा ये
आई आई डैश सी, ये दिख रहा है आपको, ये तो हम यहाँ लिखते हैं ओ डैश ओ सी तथा आई आई डैश सी, कैसे त्रिभुज हैं ये, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप हैं। अब समरूप की क्या विशेषता होती है, समरूप यानी समान रूप, वो कौन से त्रिभुज कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज, इनके तीनों कोण कैसे हों, बराबर हों, तीनों कोणों का युगफल क्या होता है 180 अंश, ठीक है, या फिर देखो लंब बट्टे लंब, कर्ण बट्टे कर्ण, आधार बट्टे आधार, ये समरूप की विशेषता है। अब यहाँ पर देखो समरूप है तो ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण, तो इस वाले त्रिभुज का लंब लेंगे और इस वाले त्रिभुज का लंब लेंगे, तो इसका लंब क्या है ओ डैश ओ बट अपॉन, अब इसमें क्या लंब आई आई डैश अपॉन आई आई डैश जो कल टू, अब आधार बट्टे आधार, आधार क्या है इसका ओ सी ओ सी, अब इसका आधार सी आई, ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम, दूसरा त्रिभुज देखो ए सी एफ, ये दिख रहा है आपको, देखो ए सी एफ ये वाला त्रिभुज और एक आई आई डैश एफ, ए सी एफ तथा आई आई डैश एफ, ये त्रिभुज भी कैसे हैं, समरूप हैं। अब इसमें देखो लंब क्या है ए सी, और इस वाले त्रिभुज में लंब आई आई डैश, अब आधार देखो इसमें क्या है सी एफ अपॉन, इसमें आधार क्या है एफ आई या आई एफ, ये समीकरण बन गया आपका दो। अब देखो इसमें ओ डैश ओ और ए सी ये क्या है बराबर लंबाई के हैं, लंबाई इनकी क्या है बराबर है, ये क्या है आपके लंब हैं, तो हम क्या करते हैं ए सी बराबर ओ ओ डैश रख देंगे, ए सी बराबर ओ डैश रखने पर किसमें रखेंगे समीकरण दो में, इसमें रख देते हैं हम ए सी बराबर ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू सी एफ अपॉन आई एफ। अब इसमें क्या करते हैं देखो समीकरण एक में ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश और इसमें भी ओ ओ डैश आई आई डैश समीकरण दो में, ठीक है। अब इनके क्या करते हैं हम बायां लेफ्ट लेफ्ट है ना बायां पक्ष है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है आपकी बराबर है यानी सेम है, तो हम क्या करते हैं समीकरण एक व दो से लेफ्ट साइड कैसी है बराबर है, एक व दो से समीकरण एक व दो से। अब देखो इसमें ओ डैश अपॉन आई आई डैश, इसमें भी देखो ओ डैश अपॉन आई आई डैश, तो हम इसकी वैल्यू लगाएंगे राइट हैंड साइड की ओ सी अपॉन सी आई और इधर सी एफ अपॉन आई एफ, इतना आपको क्लियर हो गया होगा समीकरण नंबर थ्री। अब यहाँ पर ओ सी अपॉन सी आई सी एफ अपॉन, अब आई एफ ये फिगर में दिखाती हूँ आपको आई एफ, अब यहाँ इसके हमें वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे सी आई में से सी एफ को घटा देंगे, क्वेश्चन फोर। अब हम आपको बताएं ओ सी, फिगर में देखो ओ सी क्या है, ये वस्तु की दूरी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं वस्तु की दूरी, ओसी क्या है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे नोट्स करते हैं यू से, ये दूरी हमें क्या होता है
मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक, तथा मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक। तो ये देखो वस्तु की दूरी ओशी क्या है, नीचे की दूरी है, तो क्या हो गई माइनस। अब सी आई, सी आई ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। कहते हैं उभी से। और सी एफ फोकस दूरी, फोकस की दूरी। एफ उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। चलिए हम इनके मान लगाते हैं। नीचे ओशी वस्तु की दूरी है, सी आई प्रतिबिंब की दूरी यानी बी, और सी एफ फोकस की दूरी यानी एफ। और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। और मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक, तथा नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। अब हम इनके मान लगाते हैं। नीचे ओशी क्या है, वस्तु की दूरी। अब ओशी की वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे, माइनस यू अपॉन सी आई प्रतिबिंब की दूरी यानी उबी, सी आई की जगह लगा दी मैंने, सी एफ फोकस दूरी एफ, और सी आई प्रतिबिंब की दूरी यानी वी, और सी एफ फोकस दूरी एफ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंची का गुणा कर देंगे, उबी का माइनस यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू बी। अब माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। अब यू यू का किससे करेंगे, एफ से, तो यू एफ इक्वल टू, यहाँ पे कैंची का गुणा कर रहे हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, तो वी एफ। अब क्या करेंगे हम, यू वी एफ से भाग देने पर, यू वी एफ से भाग देने पर माइनस यू वी, अब इसमें भाग देंगे यू वी एफ से। देखो यू दिया है तो यू से यू कट गया, और वी से वी कट गई, यहाँ पे क्या बचा, माइनस के वन अपॉन एफ। प्लस के यू एफ, यू वी एफ से भाग दो, यू वी एफ, यू से यू कट गया, एफ से एफ, एफ कट गई, यहाँ पे क्या बचा, वन अपॉन ओवी। बी एफ में भाग देंगे यू बी एफ से, एफ से एफ कट गई, बी से बी कट गई, यहाँ पे क्या बचा, वन अपॉन यू, ये बचा आपका। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस है, इसे पक्षांतर कर देंगे इधर, यहाँ कर देती हूँ मैं, पहले वन अपॉन वी, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो किसका बचेगा, माइनस का वन अपॉन यू इधर हो जाएगा, और ये प्लस का इधर पहुँचेगा तो किसका बचेगा, वन अपॉन एफ। ये आपका सूत्र निकल के आ गया जो हमें निकालना था, ऊपर मैंने आपको बताया था, वन अपॉन वी माइनस के वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। ये हम न्यूमेरिकल में बहुत यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो सूत्र है ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, इसे आप लोग दो तीन बार करके देख लेना, और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम में दो तीन बार तो आ गया है आगे, और इसके आगे भी चांस रहते हैं कि एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग दो तीन बार करके देख लेना, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप मैंने आपको ये समझाया, आपकी समझ में आ गया होगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बच्चों जो मेरे वीडियोज को न्यू लोग देख रहे हैं, उससे आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स भी किया करें, जिससे मैं आपको और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियो को दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।